Hey guys, this is Yash Gupta and welcome back to my YouTube channel. So, काफ़ी दिनों से मैं अभी YouTube पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एंड हर जगह मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पा रहा, बट स्टिल आई हैव मेड मैनी वीडियोज़ जो कि वंस आई गो बैक टू इंडिया आई विल अपलोड. 31st को आई विल रीच इंडिया, सो 1st को मोस्ट प्रोबली 1st-2nd को यू विल गेट सम वीडियोज़. बट उससे पहले आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो फॉर दोज पीपल जो कि ट्रेडिंग में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि ट्रेडिंग में अपना करियर व्हेन यू वांट टू स्टार्ट तो क्या आपको कैपिटल की नीड है या नहीं, सीखें तो कैसे सीखें, एंड अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब कंटिन्यू करूँ या ना करूँ. सो इस वीडियो में आई विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. सो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हमें कितनी कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए. तो मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार रुपये का अमाउंट इज़ मोर दैन इनफ. लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा पैसे डालेंगे तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पैसे डालोगे उतना ज़्यादा आप लूज़ करोगे. शुरू के 6 महीने 1 साल में यू ऑलवेज़ लूज़ मनी, चाहे आप कहीं से भी सीख लो, क्योंकि जब आप सीखते हो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, दैट इज़ जस्ट द थियोरेटिकल पार्ट. प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल इज़ एग्जीक्यूशन. जब आप वो सीख कर उसको एग्जीक्यूट करते हो देन योर इमोशंस योर साइकोलॉजी कम्स इन प्ले, जहाँ पर आपको पता है कि आपने ट्रेड लिया है. लेट्स से आपने बाई ट्रेड लिया एंड ये प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा एंड प्राइस ऊपर जा भी रहा है, बट आपका टारगेट ऊपर है, आप इतना प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाए. या फिर ट्रेड आपने लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, बट तब भी आपने लॉस बुक नहीं करा, आपको लगता है ये रिकवर हो जाएगा, इस चक्कर में और ज़्यादा लॉस हो जाता है. आपके एनालिसिस सही जा रहे होंगे बट आप ट्रेड एग्जीक्यूट ढंग से नहीं कर पा रहे होगे, आप अपनी कैपिटल को मैनेज नहीं कर पा रहे होगे. सो इनिशियली जो भी आप कैपिटल डालोगे, 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी, वो कैपिटल लूज़ होगी. मैंने 10 से ज़्यादा बारी अपनी कैपिटल ब्लो करी होगी. सो चाहे आपके पास 5 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, इनिशियली 10,000 रुपीज़ इज मोर दैन इनफ. तो अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम ट्रेडिंग सीखे कैसे, कहाँ से लर्न करें. सो हमेशा यू शुड ऑलवेज स्टार्ट ट्रेडिंग विद एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको मार्केट में, चाहे वो बंदा प्रॉफिटेबल ना हुआ हो अभी तक, बट उसको एक टाइम हो गया हो मार्केट के अंदर, क्योंकि वो आपके लॉसेज कट डाउन कराने में हेल्प करेगा. जब आप अकेले ट्रेड करना शुरू करोगे तो आप एक बिगनर की तरह गलतियाँ करोगे. वो एक्सपीरियंस बंदा आपको ट्रेन करेगा कि ये गलतियाँ मत करो, ये गलतियाँ मैंने भी करी हैं, सो आप ये गलतियाँ मत करो. सो ऑलवेज स्टार्ट विद अ पर्सन जिसको मार्केट का एक्सपीरियंस हो, अकेले स्टार्ट मत करो, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा. अब कई लोग कोशिश करते हैं कि अगर एक जर्नी है ट्रेडिंग सीखने की, उस जर्नी में आपको 1 साल 1.5 साल लगता है. अगर मेरे को 500 किलोमीटर आई हैव टू ट्रैवल, मेरे को गाड़ी में 6 घंटे लगने हैं, वो मैं 5 घंटे कर सकता हूँ गाड़ी तेज़ चलाकर, बट मैं वो 15 मिनट नहीं कर सकता. जो लोग सोचते हैं कि हम 1 महीने 2 महीने में ट्रेडिंग सीख ले और ट्रेडर बन जाए, पॉसिबल नहीं. अगर 1 साल लगता है आप उसको 10 महीने कर सकते हो, आप उसको 2 महीने नहीं कर सकते. तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ पर्सन जिसको लाइफ में एक्सपीरियंस हो, जिसने लॉसेज देखे हों, चाहे उसने प्रॉफिट्स ना देखे हों बट उसने लॉसेज देखे हों, हमेशा ऐसे बंदे के साथ सीखना शुरू करो. फाइनल क्वेश्चन कि हम अपनी जॉब छोड़े या नहीं. तो इनिशियली आई डोंट थिंक कि आपको अपनी जॉब छोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, एंड ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि आप 16-16 घंटे बैठ के वही कर रहे हो. आप शुरू में सीखना शुरू करो जब आपको कॉन्फिडेंस हो. देखो इसके 2 पार्ट्स हैं और आपको बहुत संभाल के इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना पड़ता है. शुरू में यू डो नॉट हैव टू लीव योर जॉब, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, बट ग्रेजुअली जब आपको लगे आप ट्रेडिंग सीख चुके हो देन यू हैव टू लीव योर जॉब. क्योंकि अगर आप एक कंफर्ट जोन में रह गए कि मैं जॉब तो कर ही रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग से पैसा नहीं होना तो जॉब तो है ही, तो आप ट्रेडर भी कभी नहीं बन पाओगे. यू शुड नेवर हैव ऑप्शन बी, क्योंकि वो आपके लिए एक पिल्लो की तरह है. आपको पता है कि मैं गिर गया तो ये बचा लेगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके माइंड में रहता है कि मैं गिर सकता हूँ. आपके पास हमेशा एक ही ऑप्शन होना चाहिए. तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर आपको लगे कि आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीख चुके हो, देन यू हैव टू लीव योर जॉब, कि उसके बाद फिर आप अपनी ट्रेडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो. आपके मन में वो फियर हो कि अब मेरे पास और कुछ नहीं है तो मेरे को यहीं से पैसा बनाना है, एंड देन यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग, देन यू कैन लीव योर जॉब. एंड आई होप कि आई हैव क्लियर्ड मैनी ऑफ योर डाउट्स. बाकी कुछ और भी इफ़ यू हैव डाउट्स यू कैन ऑलवेज कॉमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.